वेलकम टू माय चैनल रेनू विकास ब्लॉग। और आज बनाने जा रही हूँ मैं गन्ने के रस की खीर, जिसको हम रस खीर बोलते हैं। रस खीर बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर गन्ने का रस लिया है और यहाँ पे मैंने गैस पे एक पतीला रख दिया है और मैं इसमें छान लूँगी रस को। वैसे तो छना हुआ लिया था लेकिन इसमें झाग झाग सा है तो और छान लूंगी। तो रस को छान लिया है और अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी। और ढक्कन को बंद कर दूंगी जब तक उबाल ना आ जाए। और यहाँ पे मैंने चावल 1 कटोरी लिए थे, कटोरी से कम लिए थे, थोड़े से चावल छोटी कटोरी थी तो आधे घंटे पहले सोख करके रख दिए थे चावल को। अब 2-3 बार अच्छे से धो लूँगी। तो धो के रख लिए हैं चावल को और यहाँ मैंने ढक्कन हटाया तो साइड से उबाल आ रही थी हल्की हल्की सी। तो इस स्टेज पर आकर हमें ढक्कन को हटा देना है। उबाल अच्छे से आ गई है। अब हम जो झाग झाग सा हो रहा है वो 1 चम्मच से निकाल लेंगे। क्यों ये है ना, गन्ने की जो गंदगी होती है वो है, तो हम इसको निकाल लेंगे। अगर नहीं निकालते हैं तो खीर जो है काली काली सी हो जाएगी, इसलिए हम निकाल लेंगे। काली हो जाएगी खीर, फिर देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। ये सारा झाग सा जो है वो निकाल लेंगे। तो अच्छे से उबाल आ गया है रस में। तो अब हम डाल देंगे चावल। चावल डालने के बाद हम मिला लेंगे अच्छे से। और हम ये वाली कटोरी से चावल लिए थे और मिला करके हम धीरे धीरे पकने देंगे चावल को। और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और अब हम धीरे धीरे। तो यहाँ हम चावल को पकने देंगे अब। और हमें इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डालना है क्योंकि गन्ने का रस पहले से ही बहुत मीठा होता है। तो बस गन्ने का रस चाहिए और हमें चावल चाहिए, दो ही चीज़ों से बन जाती है ये खीर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि थिक होने लगी है खीर, मतलब बनने लगी है। लो ही रखेंगे। तो मैं बराबर चलाती रहूंगी यहाँ पे, अगर नहीं चलाऊंगी तो नीचे गली में लग जाएगी। तो इस स्टेज पर आकर बराबर में चलाना है हर थोड़ी थोड़ी देर में। क्योंकि बनने वाली है खीर बस 1-2 मिनट में ही।
खाने में बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बनी थी खीर। तो ये बन गई है, तो मैं गैस को कर दूँगी बंद और मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे सर्व कर रही हूँ। और गार्निश के लिए मैंने नारियल का बुरादा लिया है, मैं इसे गार्निश करूँगी। और ये खाने के लिए हो गई है रेडी खीर, तो खा करके बताना कैसी बनी है। कमेंट करके बताना कैसी बनी है और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।